नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति घाटे, बेबीलॉन्स न्यूटन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सपोर्ट सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि आज है मानसिक स्वास्थ्य दिवस। हम देखेंगे किशोरावस्था में मानसिक स्वास्थ्य किस तरह से प्रभावित होता है और उसमें कौन सी बीमारियाँ हमें देखने मिलती है। किशोरावस्था यह उम्र का पड़ाव है 9 से 19 साल तक, जिसमें भावनिक रूप से बहुत ज़्यादा विकास तेज गति से होता है और इस कारण मानसिक रूप से बच्चा परेशान दिखता रहता है। पर इसके आगे भी जो नॉर्मल बच्चों की भावनिक उतार चढ़ाव है, उसके आगे जाकर भी कई बच्चे मानसिक समस्याओं से जूझते रहते हैं, मानसिक विकार के शिकार रहते हैं। इसमें प्रायः दो तरह के विकार होते हैं। एक वो विकार होते हैं वो जो बच्चे के साथ बहुत बचपन से जुड़े रहते हैं, जिन्हें हम मस्तिष्क के विकास की बाधा के कारण उत्पन्न मानते हैं। ये बहुत छोटी उम्र से बच्चे के साथ रहते हैं, लेकिन कई बार इनका जो प्रभाव है ये किशोरावस्था में आके दिखाई देने लगता है। इन विकारों में ADHD, जिसे हम अति चंचलता बोलते हैं, बच्चा एक जगह स्थिर नहीं रहना, एक चित्त न हो पाना, एकाग्रता में कमी, बहुत ज़्यादा बातें करना, एक जगह बैठ न पाना, दूसरों के साथ बात करते वक्त बीच बीच में खुद की बात आगे बढ़ाना, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा ऑटिज़म होता है, जिसमें बच्चे को सामाजिक परिवेश में ढलने में दिक्कत होती है, बच्चे के भाषा का विकास ठीक नहीं हुआ रहता है, बच्चे को दूसरों में घुलने मिलने में कठिनाई महसूस होती है, इसके दोस्त नहीं बनते, इसी कारण इसका पढ़ाई में भी रुचि कम रहती है, क्योंकि टीचर क्या बोलती है ये भी शायद इसको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता। तीसरा विकार होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें होता है कि बच्चा अक्षर ज्ञान या अंकों का ज्ञान ठीक से नहीं कर पाता। जब छोटी मोटी बात होती है तब बच्चे को प्राइमरी क्लासेस में छोटी उम्र में इसकी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसा बच्चा किशोरावस्था में आता है उससे अपेक्षाएं ज़्यादा हो जाती है, उसे ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, उस वक्त ये बीमारी सामने उभर के आती है। और इन सारी बीमारियों में एक समान लक्षण रहता है कि बच्चा अपनी स्कूल की गतिविधियों में पिछड़ता है। दूसरी तरह की जो बीमारियाँ होती है वो किशोरावस्था में शुरू होने वाली बीमारी रहती है, और इन बीमारियों में ज़्यादातर बीमारियाँ आगे तक उसके वयस्क यानि एडल्ट लाइफ तक उसका साथ देती है। उसमें महसूस होते हैं कि भाई लक्षण शुरू तो हुए हैं किशोरावस्था में और उभर के सामने आए जब आदमी बड़ा बन गया है या जो लड़की है वो बड़ी बन गई है, वयस्क हो गई है। तो इन बीमारियों में मुख्य बीमारी है चिंता की बीमारी, जिसमें बच्चा या किशोर बड़ा उलझा हुआ महसूस होता है, घबराहट रहती है, हाथ पांव में कंपन आना, दिल की धड़कन तेज रहना, या हर छोटी मोटी चीज़ में एक डर सा महसूस होना, परीक्षा के लिए भी डर, पढ़ाई के लिए भी डर, किसी से मिलने जुलने में डर, आगे होके बात करने में डर, हर समय ऐसा डर अकारण बना रहता है, तो उसे हम चिंता की बीमारी मानते हैं। कई बच्चों को चिंता की बीमारी में ये भी रहता है कि मुझे कुछ बीमारी ना हो जाए, इस कारण भी बच्चे बीमार रहते हैं। बार बार हाथ धोना, बहुत साफ सफाई पसंद रहना, जरा इधर से उधर कोई चीज़ हो गई तो वो उसमें उनको अजीब सा लगने लगता है, ये सारे भी बीमारी के लक्षण होते हैं। अति ज़्यादा सफाई पसंद होना भी एक बीमारी हो सकती है। दूसरी बात होती है फिर डिप्रेशन यानी कि निराशा। ये नैराश्य जो होता है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसमें बच्चों में उदासी, गुमसुम रहना। दूसरी बीमारी होती है निराशा या उदासी की। इसमें बच्चे गुमसुम दिखते हैं, किसी चीज़ में उनको रस नहीं आता, खुशी नहीं होती, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, गुस्सा होते हैं, भूख में, नींद में कमी या ज़्यादा हो जाती है,
और इसका भी बहुत ज़्यादा असर उनके पढ़ाई पे पड़ता है। तीसरी बीमारी है जिसे बोलते हैं हम सिज़ोफ्रेनिया। सिज़ोफ्रेनिया एक बहुत बड़ा मनोरोग है जिसमें बच्चे की जो विचार करने की क्षमता है उसमें आघात होता है और बच्चों की विचार करने की क्षमता खोती है। बच्चा अलग सा दिखाई देता है, अपने आप में हंसना, अपने आप में रोना, कहीं खोया खोया रहना और तालमेल नहीं बिठा पाना, बात करने में उसको आप क्या बोल रहे हो, बच्चा क्या जवाब दे रहा है, अजीब अजीब बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब इसमें होती है जैसे हम सिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। ऐसा ही कुछ बाइपोलर डिसऑर्डर एक नाम से बीमारी है, उसमें भी दिखाई देता है। कंडक्ट डिसऑर्डर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है, इसमें बच्चे चोरी करना, झूठ बोलना, स्कूल से भाग जाना, घरों से भाग जाना, दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, प्राणियों को या कोई और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, ये सब बातें करते हैं। और ये सब हमें जानना ज़रूरी है कि ये सिर्फ इनडिसिप्लिन नहीं है, ये सिर्फ मतलब ये पेरेंटिंग की या ऐसी कोई समस्या ना हो के बच्चे के अंदर कोई मानसिक समस्या रह सकती है और इसके लिए इलाज है, इसका एक तरीके से इलाज हम कर सकते हैं और करना चाहिए। धन्यवाद। इस बारे में आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे विज़िट कर सकते हैं या हमारे सेंटर पे आपका स्वागत है। नमस्कार।